किसान भाइयों, बीटी निरमा की बात करें तो बहुत बुरा हाल है। गुलाबी सुंडी ने बहुत बड़ा नुकसान कर रखा है। 3-4 सालों से गुलाबी सुंडी कंट्रोल नहीं हो रही। बीटी निरमा में, बीटी कॉटन में गुलाबी सुंडी के प्रति जो सहन शक्ति थी वो बिल्कुल खत्म हो गई है। तो इस साल मैंने आपको बीटी कॉटन के काफी खेत दिखाए, जो अच्छे खेत खड़े हैं किसानों के, काफी वरायटियों का रिव्यू किया। प्रैक्टिकल रूप से मैं आपको वरायटियों की जानकारी दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि उनका रिजल्ट कैसा है। लेकिन इस किसान भाई के खेत में यहाँ पर नॉन बीटी निरमा लगा रखा है, जिसको आप देसी निरमा भी बोल सकते हो। किसान भाई से जानेंगे कौन सी वैरायटी है ये देसी निरमा की, नॉन बीटी की, कौन सी खाद डाल रखी है, क्योंकि बिल्कुल रेतीली जमीन है, हल्की मिट्टी में आती है। इसके अलावा कौन कौन सी स्प्रे इन्होंने करी, इसमें टोटल कितना खर्चा आएगा, आपको आइडिया हो जाएगा बीटी कॉटन के मुकाबले में। तो एक एक सवाल का यहाँ पर हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आपका स्वागत है डियर किसान पर। किसान भाइयों, सबसे पहले सभी को राम राम। मेरा नाम धर्मपाल है, मेरा गाँव दड़ोली है, जिला हिसार हरियाणा का रहने वाला हूँ। जिला हिसार हरियाणा से आते हैं। आपने टोटल यहाँ पर कितने एकड़ में खेती कर रखी है नरमा की, उसमें से आपने नॉन बीटी भी लगा रखा है, बीटी भी, कितने एकड़ में कौन सी लगा रखी है? 4 एकड़ में है, 2 एकड़ में है नॉन बीटी, और 2 एकड़ में आपने बीटी कॉटन लगा रखी है। ये जो नॉन बीटी है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, ये कौन सी वरायटी है, कौन सी कंपनी है, इसके बारे में? शक्तिवर्धक वाला हुई है जी, अनमोल रतन 8108। शक्तिवर्धक कंपनी की अनमोल रतन 8108 ये वैरायटी है। तो ये वैरायटी क्या आपने पहली बार लगाई है, या फिर पहले भी आप जो आप बता रहे थे काफी टाइम पहले आपने लगाई है? मैंने मेलसरा गांव में लगाई थी ये वैरायटी लगभग 10-12 साल पहले। मैं 27.5 मन दी थी एकड़ की इसने, उस टाइम पर इतना प्रोडक्शन इतना दिया था इसने। हाँ, गुलाबी सुंडी का उस टाइम पर तो इतना अटैक नहीं था। अगर आज की बात करें तो शायद ही कोई वैरायटी बची होगी गुलाबी सुंडी के प्रकोप से। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको गुलाबी सुंडी ही इसमें दिखा देता हूँ। स्टार्ट करते हैं गुलाबी सुंडी से, कुछ टिंडे तोड़कर दिखाइए ताकि पता चले कि एक्चुअल में गुलाबी सुंडी है या फिर नहीं है। कुछ टिंडे तोड़कर इसके हम देखते हैं और आपको दिखाते हैं। मुझे तो इस खेत के अंदर गुलाबी सुंडी दिखाई नहीं थी, काफी टिंडे तोड़कर मैंने, जो भी कहोगे वही तोड़ दूंगा इनमें से, कौन सा भी तोड़ दो चाहे। गुलाबी सुंडी ने कोई टिंडा छोड़ ही नहीं रखा जिस खेत में आ गई है। ये देखो, ये देखिए, कोई भी नहीं है, ये देखो बिल्कुल सफेद, यहाँ पर आपको व्हाइट रुई दिखाई देगी। और कुछ 2-4 टिंडे और तोड़कर दिखाइए जो पहले के हैं या फिर जो नए लगे हैं। से उस पौधे से दिखा दूंगा, उसे में भी दिखा दो चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, कोई नहीं है इसमें, ये देखो। ठीक है, कुछ यहाँ पर पहले के टिंडे जो पुराने लगे हुए हैं वो और तोड़ कर दिखाइए। पुराने टिंडों में ज्यादा जो इसका प्रकोप दिखाई देता है, सुंडी जो स्टार्टिंग में अगर ये आ गई देखो, सबसे नीचे है ये। सबसे नीचे से उठाइए, कोई भी तोड़ लीजिए जो थोड़ा सा पके हुए के ऊपर टिंडा हो, पका हुआ, इसको फोड़ कर दिखाइए। ये देखो बिल्कुल सफेद है, कोई नुकसान नहीं, ये देखो, ये देखो इसमें भी नहीं है। एक दो टिंडे थोड़े से यहाँ पर और तोड़ कर दिखा और तोड़ देंगे, पूरे खेत में तोड़ो, आलो चलो उधर से तोड़ लाऊंगा, कोई नहीं। हाँ हाँ, चाहे उधर से दिखा दो, हाँ यहीं से दिखा दो, ये लो। ये देखो, ये देखो गुलाबी सुंडी का यहाँ पर इसमें कोई नामो निशान नहीं है, कोई नाम तो इस खेत में। मुझे तो मैंने कम से कम 10-12 टिंडे यहाँ पर फोड़े हुए इस खेत में जरूर, लेकिन गुलाबी सुंडी नहीं मिली। वैरायटी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि इसके पौधे की हाइट कितनी जाती है, फुटाव कैसा है, टिंडे कब से लगने स्टार्ट होते हैं, तो थोड़ा सा वैरायटी के बारे में। वे वैरायटी के देखो जी, ये नीचे से ले गए ऊपर तक, यहाँ तक टिंडे है इसमें, देखो कितना बड़ा हुआ है, बहुत ही बढ़िया। हाँ, फ्रूटिंग अच्छी है और खिलाव भी अच्छा है। पौधे का फैलाव कैसा है, इसमें ब्रांचेज वगैरह कैसे निकले? बहुत फैलाव, अच्छा फैलाव है, ये देखो ये कितना फैलाव है, ये देखो फैलाव अच्छा है, और लड़ियों में टिंडे यहाँ पर लगे हुए। ये हाइट कितनी है, एवरेज लगभग हाइट कितनी है इसकी? हाइट तो देखो जी, अंदाजा है 6 फीट से ऊपर ही हाइट, 6 फीट से ऊपर ही इसकी हाइट है। ऑन एवरेज अगर बात करें 6-6.5 के आसपास हाइट है। टिंडों के ज्यादा ऊपर टिंडे लगने की वजह से ये झुकाव हो गया है, तो इसकी हाइट कम लग रही है। अगर बात करें हम इसके बाद में स्प्रे की, आपने इसमें स्प्रे कौन कौन से दिए हैं, थोड़ा इसके बारे में? पहली स्प्रे की है सर मैंने DAP 2 किलो 1 किलो यूरिया की,
ठीक है। तो ये इन्होंने खुराक के ऊपर ध्यान दिया है। खुराक की बात करें तो इन्होंने डीएपी के साथ में यूरिया का घोल बनाकर अपने खेत में स्प्रे किया है। एनपीके वगैरह के चक्कर में कम पड़े हैं, अगर एनपीके लेते हैं तो ज्यादा महंगी पड़ती, इसलिए जो इनके पास में डीएपी यूरिया थी उसको ही इन्होंने घोल कर यहाँ पर स्प्रे कर दिया। ये भी काफी इनके अच्छी चीज लगी। पहला स्प्रे आपने कीटनाशक का कौन सा दिया? ये इक्तारा प्रोक्लेम, ठीक है। इक्तारा जो थायमेथोक्सम आता है हरे मच्छर के लिए, और इसके साथ में इन्होंने थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए, इल्ली को कंट्रोल करने के लिए प्रोक्लेम डाल दिया जिसमें इमामेक्टिन आता है। तो ये इन्होंने पहला स्प्रे दिया। इसके बाद में दूसरे स्प्रे की अगर बात करें तो दूसरा जो स्प्रे है वो आपने कौन सा निकाला? सफेद मच्छर के लिए हमने किया है ओसिन। सफेद मच्छर के लिए ओसिन किया, और इल्ली वगैरह के लिए आपने इसमें कौन प्रोफेनो प्लस साइपर जो आप बता रहे थे, तो इन्होंने जो है सफेद मच्छर के लिए ओसिन का स्प्रे किया जो हरे मच्छर के ऊपर भी कंट्रोल देता है। इसके बाद में इसी के साथ में मिलाया आपने साइपर और प्रोफेनोफोस इन्होंने मिला दिया। तो ये आपका यहाँ पर सफेद मच्छर के साथ में हरा तेला और गुलाबी सुंडी के ऊपर भी कंट्रोल हो गया, जो इसमें दूसरी छोटी मोटी इल्लियां लगती है उसके ऊपर भी यहाँ पर कंट्रोल इनका हो गया। तो इस प्रकार से इन्होंने दो स्प्रे किए। तो गुलाबी सुंडी का हमने यहाँ पर टिंडे फोड़ कर आपको दिखाया और देखा कि इसमें गुलाबी सुंडी बिल्कुल भी नहीं मिली। 5-6 टिंडे हमने फोड़े, इसमें अभी तक कोई प्रकोप नहीं है। और आज से लगभग 10 साल पहले मैंने आपको बताया था, जब भी 27.5 मण निकाला था एकड़ का, ठीक है। अब मेरा आइडिया ये है 25 प्लस है, 25 या 26 या 24, ठीक है, इसके बीच, यानी कि 10 क्विंटल प्रति एकड़ के आसपास आपको उम्मीद है कि 10 क्विंटल बैठ जाएगा। हाँ, बैठेगा। 25 मण एकड़ में बैठेगा, क्योंकि काफी लंबे टाइम से किसान जो है नरमा उगा रहा है, खेती कर रहा है, तो फार्मर को इतना आइडिया होता है कि उसके खेत में क्या कुछ निकल सकता है। एक्चुअल में इस फसल की कंडीशन देखकर, फ्रूटिंग की जो टिंडों की संख्या है उसको देखकर लगता है कि 10 क्विंटल का उत्पादन तो एकड़ में निकाल देगी। खेत की मिट्टी कैसी है, जमीन कैसी है? जमीन तो जी बालू रेत सी है हमारी, बिल्कुल बालू रेत है, हल्की मिट्टी है। यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो हल्की मिट्टी के अंदर ये हमने आपको इस वैरायटी का रिजल्ट दिखाया। किसान भाई ने यहाँ पर नून मिट्टी लगा रखी है, देसी नरमा लगा रखा है, इसका रिजल्ट मैंने आपको दिखाया। इस वीडियो के नीचे कमेंट करना ये वैरायटी आपको कैसी लगी, नरमा कैसा लगा, और आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना। आपके खेत में अगर अच्छा नरमा खड़ा है, गुलाबी सुंडी नहीं है, और कौन सी आपने अच्छी दवाइयों का रिजल्ट या फिर कोई और प्रैक्टिकल चीज करी है, तो उसका रिजल्ट हम दूसरे किसानों के साथ में भी साझा करेंगे। तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार। आपने किसानों को इतनी अहम जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।